आप सबको एलडी वागेला पुलिस इंस्पेक्टर सेवानिवृत्त का नमस्कार। श्री राम श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद गुजरात की ओर से 11 नेत्रहीन नव दंपतियों का समूह विवाहोत्सव का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। श्री राम श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्षा कृष्णाबेन कुंजविहारी अग्रवाल के द्वारा ये महिला मंडल की टीम के द्वारा ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया गया। और यहाँ पर सती माता मंदिर शाहीबाग में तारीख 14/5/2023 का समूह विवाहोत्सव में काफ़ी उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और समूह लग्न को काफ़ी अच्छी तरीके से संपन्न किया। मुझे भी इसी शादी समारोह में उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ मेरी धर्मपत्नी के साथ। मैं ये समूह लग्न में उपस्थित रहा और भावनगर के गरीब परिवार में से 50 वर्ष की लड़की जो कि मजदूरी करने वाले माँ बाप के घर में जन्म से नेत्रहीन पैदा हुई थी और उनके पिताजी को हाल में पैरालिसिस है, वो कांता नांजीभाई परमार बड़ी कठिनाई के साथ उसने अहमदाबाद में हिस्ट्री में एमए तक की पढ़ाई की है। उसके बचपन के पढ़ाई में जो साथी रहे वो नेत्रहीन दोस्त कोडिनार के चंद्रजीत मसरीभाई नकुम के साथ शादी करने का फैसला किया। 11 कन्याओं को सभी महिला कार्यकर्ताओं ने तैयार करके काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार किया और ये शादी समारोह की श्री राम श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट की आमंत्रण पत्रिका है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है। और ये एक अंतर्ज्ञातीय लग्न है, ज्ञातियों का बंधन तोड़ते हुए एक लग्न किया गया है। चंद्रजीत नकुम जो कि कोडिनार के रहने वाले हैं, उनका पूरा नाम है चंद्रजीत मसरीभाई नकुम और कांता नानजी भाई परमार जो कि भावनगर की रहने वाली है। ये सब यजमान जो 11 नेत्रहीन नव दंपति है उनको कन्यादान करने के लिए सभी बड़े बड़े उद्योगपति और सेवाभावी लोगों ने यजमान पद स्वीकार किया है और ये कांता और चंद्रकांत ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी के बंधन से बंध गए। और यहाँ पर इसी मंडप में, शादी के मंडप में, जिसको रेणुकाबेन चौहान जो कि कांताबेन नांजीभाई परमार को सुबह से ही तैयार करने में और जोड़ा, शादी का जोड़ा पहनाने में मदद कर रही है। सभी 11 नेत्रहीन युवक को भी काफ़ी एक ही तरीके के सूट पहनाए गए हैं और ये सभी खर्च श्री राम श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पूरा आयोजन किया गया। शादी के कपड़ों से मिला के सभी कार्यावर तक का इंतज़ाम किया गया और काफ़ी उत्साह के साथ जो महिला कार्यकर्ता है वो भी हर एक जो 11 मंडप है उसके ऊपर वहाँ पर देख रेख कर रही है। काफ़ी अच्छा संगठन बरसों से, 10-15 सालों से ये शादी समारोह नेत्रहीन युवक और युवतियों का संपन्न करवा रहे हैं। हिंदू शास्त्रोक्त पद्धति से पंडित जी ये शादी को संपन्न कर रहे हैं और ये पूरा मंडप में शादी के मंत्रोच्चार से धूम मची हुई है। कांताबेन की मातोश्री वालीबेन परमार जो कि धार्मिक विधि संपन्न कर रही है पंडित के कहने पर, और चंद्रकांत और कांता को पानी ग्रहण करवा रही है। नवविवाहित नव दंपति अपने नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, वो पूरे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें ऐसी शुभाशीष के साथ वाली बहन ने उनको पानी
ग्रहण करवाया। हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मानते हुए ये धार्मिक विधि संपन्न करवा रहे हैं ये पंडित जी, और दोनों पति पत्नी को वहाँ पर धर्म के भाई जो कि ये धार्मिक विधि संपन्न करने के लिए उपस्थित रहे हैं, और वो भाई बन के दोनों अपनी कांता बहन को वो जवतल दे रहे हैं और चार फेरे संपन्न करवा रहे हैं। शादी में जवतल होम के भैया बहन को जीवन भर अपनी तरफ से मदद प्रदान करते हुआ करता रहता है। कांता नानजी भाई परमार चंद्रकांत मसरी भाई नकुम के साथ अपने नया जीवन शुरू करने जा रहे और शादी के फेरे लगवा रही है और नया जीवन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने अपनी तरफ से जो भी पुण्यदान करने थे वो कर दिया है, अपनी तरफ से जो शादी में लिखवाना था वो लिखा दिया है। आप भी अगर कुछ ये शादी समारोह में देना चाहते हैं और कांता नानजी भाई परमार जो कि अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है उनको अपनी तरफ से शगुन दे सकते हो। नेत्रहीन युवक और युवती जो है उनको शगुन के तौर पे कुछ आप देना चाहते हैं तो इसमें चंद्रजीत नकुम का मोबाइल नंबर मैंने डाला हुआ है, वो मोबाइल नंबर पे आप गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं और इसी एक धर्म कार्य में आप भी अपना सहयोग दे के उनका नया जीवन जो शुरू करने जा रहे हैं पूरा नेत्रहीन युवक और युवती उनको आप अपनी तरफ से मदद भी कर सकते हैं। चंद्रकांत नकुम जो भी नेत्रहीन है और कांता वो भी नेत्रहीन है, दोनों अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं और उनको पूरी तरह से मदद रूप होती हुई रेणुकाबेन चौहान जो कि ये पूरा मंडप का संचालन देख रही है कांताबेन का, और शादी के टाइम जो भी चीज़ें ज़रूरत वहाँ पर जो जो होता है वो सब समय के मुताबिक यहाँ पर पहुँचाती है और पूरा मंडप का शादी के मंडप का संचालन उनके रेणुकाबेन चौहान को ये दिया गया हुआ है। यजमान श्रीमती रेखा जी मनोज जी अग्रवाल और उनके पति मनोज जी अग्रवाल अमित बायोमेडिक्स वाले हैं, उन्होंने ये कांता के कन्यादान का यजमान पद लिया हुआ था, अपनी तरफ से खर्च दिए। ये युवक और युवतियों 11 नवप्रणीत नवविवाहित युवक और युवतियों को यहाँ पर बिठाया गया है और माजी मिनिस्टर प्रदीप भाई परमार और असारवा अहमदाबाद के विधायिका श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला भी इसी के दौरान उपस्थित रहे। श्रीमती कृष्णाबेन अग्रवाल अध्यक्षा ने पूरा समारोह का द्यौरा पेश किया। कांताबेन के मंडप के कन्यादान के दाता मनोज जी और श्रीमती रेखा जी अग्रवाल दोनों को यहाँ पर सम्मान किया गया। नेत्रहीन दंपति कांता और चंद्रकांत को आशीष देने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। आप भी इसमें कुछ अपना सहयोग देना चाहते हो तो दे सकते हैं। चंद्रजीत और कांता का मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया गया है। LD वाघेला पुलिस इंस्पेक्टर सेवानिवृत्त का आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।